गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं। ममता के सांसद मां सीता के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान है। उन्होंने कहा ताड़का के पक्ष का कोई व्यक्ति ऐसी टिप्पणी ही करेगा। नरोत्तम ने कहा पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से होने वाली चर्चा पर नरोत्तम ने कहा कि प्रधानमंत्री जनता के जीवन की सुरक्षा के लिए जैसी कोशिश कर रहे हैं वो अनुकरणीय है। उन्होंने कहा वैक्सीन की आड़ में भ्रम और फैलाया जा रहा है, लोगों को पता होना चाहिए कि 120 देश हमारी वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं। जब भी राष्ट्र के सम्मान की बात आती है तब ये विपक्षी लोग इसको धूल दूषित करने का प्रयास करते हैं। पता नहीं ऐसी धूर्तता कहां से आती है, ये पैदाइशी है या कोई कोर्स किया है। वैक्सीनेशन की विश्वसनीयता और वैज्ञानिकों की योग्यता पर हम सभी को गर्व है, जिन्होंने 8 महीने तक लगातार अथक परिश्रम कर इसे विकसित किया है। उन्होंने कहा कांग्रेस को इतनी परेशानी है तो बीजेपी नेता पहले वैक्सीन लगवाएंगे। नरोत्तम ने कहा वे खुद वैक्सीन लगवाने गए थे। राहुल गांधी लगता है वैक्सीन के डर से घूमने गए हैं। मुनव्वर राणा के अनाप शनाप बयान पर उन्होंने कहा कि मुनव्वर को पता नहीं क्या हुआ है, उन पर उम्र हावी हो गई है। दरअसल ये तुष्टिकरण की राजनीति जो ममता जी की है उसको उजागर कर दियो। और इसलिए फतवा जारी कराया है। ममता जी के पक्ष में या राहुल दावा के पक्ष में जो इटली में आराम कर रहे हैं, इस तरह के फतवों से अब पश्चिम बंगाल प्रभावित होने वाला नहीं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दरअसल वैज्ञानिकों को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई, आम जनता के आम जन के जीवन की जिस तरह से प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं वो अपने आप में अटपट। एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष वो है जो वैक्सीन के बारे में भ्रम फैला रहा है और भ्रम के माध्यम से भय फैला रहा है। क्या वैज्ञानिकों का जो 8 महीने से अपने घर नहीं गए और वैक्सीन तैयार की, उस वैक्सीन की विश्वसनीयता और वैज्ञानिक की योग्यता इस बात से प्रमाणित हो जाती है कि 120 से अधिक देशों उसी की डिमांड कर रहे हैं। जब भी राष्ट्र के सम्मान की बात आती है तब तब ये विपक्षी लोग उसको धूल दूषित करने की कोशिश करते हैं। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक, तो सेना पे सवाल उठा दिया। चुनाव हार गए तो ईवीएम पे सवाल उठा दिए, केस हार गए तो न्यायालय पे सवाल उठा दिए। आज हमारे वैज्ञानिकों ने राष्ट्र का गर्व ऊंचा माथा किया है तो वैज्ञानिकों पे सवाल उठा। पता नहीं ऐसी धूर्तता कहाँ से आती है, पैदाइशी है या कोई कोर्स किया है, ये नहीं समझ पाते। नकल नहीं कर रहे, ढोंग कर रहे हैं। नकल और ढोंग में अंतर होता है। पाखंडी लोग इस तरह के काम करते हैं, नहीं करना चाहिए ना। आस्था के जो आयाम होते हैं उनको ऐसे नहीं लेना चाहिए राजनीति। ये बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान है जो कल्याण जी ने माता सीता के बारे में इस तरह की। ये भी तुष्टिकरण का अंग है, एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए बहुसंख्यक हिंदू के देवताओं को, आराध्यों को अपमानित किया जाता है। अब ताड़का के पक्ष का कोई व्यक्ति होगा तो वो ऐसी हिंदू नहीं करेगा। हम तो खुद ही गए थे लगवाने के लिए, हमने कब मना किए, लेकिन कांग्रेसियों के कहने से तो कांग्रेसी को कहने का अधिकार जब है जब वो खुद लगवाते अपने राहुल गांधी को। पता नहीं वो घूमने गए, तबीयत देखने गए या वैक्सीन के डर से गए, ये नहीं पता। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक,
राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।